नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। रीवा शहर के सर्किट हाउस में नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आ गई है, जो कि शिक्षा के मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसमें एक स्कूल के प्राचार्य के द्वारा अपने स्कूल की छात्रा को अकेले मिलने के लिए बुलाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। प्राचार्य और छात्रा के बीच हुई बातचीत के कई ऑडियो सामने आए हैं। ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि यह शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्राचार्य और वहां पर पढ़ने वाली छात्रा के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें प्राचार्य लड़की को अकेले बुलाने का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है, जिस पर विभाग अब संबंधित प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है। घटना को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि मार्तन क्रमांक 2 में एक लड़की किसी लड़के के साथ अकेले में बातचीत कर रही थी। ये घटनाक्रम स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे प्राचार्य ने देख लिया और उसे वायरल करने और परिवार के लोगों को बताने की धमकी देने लगा। इसके बाद लड़की को फोन कर घर के लोगों से बात करने के लिए कहा। जब छात्रा ने कहा कि वो दोबारा गलती नहीं करेगी, तो मामले को सुलझाने के लिए प्राचार्य ने उसे अकेले में बुलाया। इसके लिए वो लगातार लड़की को फोन कर अकेले आने के लिए दबाव भी बनाता रहा। ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि वो अकेले मिलेगी तो पूरी समस्या का समाधान हर समय के लिए हो जाएगा, जिसके बाद प्राचार्य के दबाव से परेशान होकर स्कूल की छात्रा ने उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर अधिकारी तक भेज दिया है। इसके बाद अब मामले की जांच चल रही है। सर समझिए ना सर, परेशानी है, वरना मैं आ जाती सर। सर मैं नहीं आ पाऊंगी कल, सर 4 तारीख को आ जाऊंगी ना। कल कल तो क्या सर, कल नहीं आ सकती ना परसों सर, ना 2 को ना 3 को, 4 तारीख को सर। अब जब तक बोलेंगे तब तक रुक जाऊंगी सर स्कूल में। सर क्या रात से कहीं आ सकती है? सर रात में तो नहीं आने देंगे कोई। देखो क्या सर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से आओ नीचे यूरिनरी में, यूरिनरी जो हमारी वाली यूरिनरी है, पुरुष वाली, VIP लिखा हुआ है उसमें, तुमको हाँ वो ऑडियो मैंने सुना है, पेपर में भी इस तरह की खबर आई है, पेपर की कटिंग लोगों ने मुझे भेजा है, और इसको इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है, और इसकी जांच कराने के लिए अपने जिला स्तर पर जो एक आंतरिक परिवार समिति होती है ऐसे मामलों की जांच के लिए, उसको मैंने आदेशित कर दिया है कि इस मामले की जांच करके और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्योंकि ये प्राचार्य और छात्रा के बीच का संबंध है, शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी एक कलंक की बात है। इस तरह की बात यदि सही पाई जाती है तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। कौन से स्कूल का है? हाँ अभी जो हमें खबर मिल रही है ऑडियो के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, उसमें नाम नहीं आ रहा है किसी का। अब उसमें जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ के आधार पर हम अपनी समिति को ये जांच सौंप रहे हैं कि इसमें से अपना ये निर्णय दे कि ये कौन सा व्यक्ति हो सकता है, और रिपोर्ट जो आएगी उस पर हम कार्यवाही करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।